नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। इस शो में हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराएंगे जिनका सरकार सीधा आपसे है, जिनमें कोई सियासत नहीं, कोई क्राइम नहीं, सिनेमाई खबरें नहीं, बल्कि वो खबरें जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ेगा, ऐसी खबरें जिनका जानना आपके लिए जरूरी है और फायदेमंद भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर आपके मतलब की। देश में फेस्टिव सीजन चल रहा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा की चिंता होना लाजमी है। तो अच्छी बात यह है कि इस साल दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा सबसे साफ रही। हालांकि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर का AQI लेवल बढ़ा हुआ है। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा साफ है। दिल्ली वालों ने खूब पटाखे चलाए। इसके बावजूद दिल्ली के बाद दिल्ली की हवा पिछले 7 सालों की तुलना में सबसे साफ दर्ज की गई। हालांकि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बढ़ा हुआ दर्ज किया गया, लेकिन ये पिछले 7 साल की तुलना में सबसे कम था। इतना ही नहीं, अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब नहीं होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि देर तक बारिश होना और दीपावली के पहले आना भी हवा के साफ होने की वजह हो सकती है। आपको बता दें कि हर साल दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा मौसम संबंधी कारकों, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और पटाखे जलाने के परिणाम स्वरूप होता है। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक इस साल दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 2021 की तुलना में काफी कम था। दिल्ली और NCR के बाकी शहरों में दिवाली के बाद AQI लेवल कितना था, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि बीते 7 सालों में दिवाली के बाद दिल्ली की हवा कैसी रही। दिवाली के बाद दिल्ली का AQI 12 नवंबर 2015 360, 20 अक्टूबर 2017 403, 8 नवंबर 2018 390, 28 अक्टूबر 2019 368, 15 नवंबर 2020 435, 5 नवंबर 2021 462, 25 अक्टूबर 2022 302। इस चार्ट से साफ है कि इस साल दिवाली के बाद दिल्ली की हवा पिछले 7 सालों में सबसे साफ रही। दिवाली पर दिल्ली वालों ने पटाखे भी चलाए, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने की भी आशंका है, लेकिन इसका असर दिल्ली की हवा पर कम ही पड़ा। हालांकि NCR में सबसे ज्यादा AQI दिल्ली का ही रहा। तो आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि दिवाली के बाद दिल्ली और NCR में AQI कितना था। दिल्ली NCR का AQI, दिल्ली 302, फरीदाबाद 289, गाजियाबाद 266, ग्रेटर नोएडा 272, गुरुग्राम 292, नोएडा 299। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पिछली बार के अकॉर्डिंग दीपावली के बाद में जो है इस बार जो है AQI लेवल इतना ज़्यादा नहीं पहुंचा। केवल एवरेज की बात करें तो दिल्ली के अंदर AQI लेवल 323 पर पहुंचा है, जहां पिछले अगर हम साल की बात करें 2021-22 की बात करें तो वहां 2021 के अंदर 462 था AQI लेवल दीपावली से अगले दिन, लेकिन इस बार 323 एवरेज जो है वो निकाला गया है AQI लेवल का दीपावली से अगले दिन। तो देखिए यहाँ पर खुद गोपाल राय जो कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं,
उन्होंने इन एंटी स्मोक गनों को जो है हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने को लेकर बड़ी पहल जो है दिल्ली सरकार की वो यहाँ पर देखने को आ रही है। दिवाली के बाद इस बार दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने के कारण यहाँ के अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित कम मरीज पहुँचे। दिवाली पर जलने के मामले में भी इस बार दिल्ली में कम ही मामले सामने आए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, नवंबर में प्रदूषण और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविकल सोमवंशी जी। अविकल जी क्लीन एयर कैंपेन में प्रोग्राम मैनेजर हैं। अविकल जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और आज जिस तरह हम बात कर रहे हैं पॉल्यूशन की, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह AQI जो है वो कम हुआ है, आपको इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? AQI जो कम हुआ है, जो इस साल हमें कम प्रदूषण देखने को मिला, उसकी तीन प्रमुख वजह है। पहली सबसे बड़ी वजह है कि जो इस साल की दिवाली है वो अक्टूबर में पड़ रही है, पिछले दो सालों के मुताबिक के कंपैरिजन में दो या तीन हफ्ते पहले पड़ी है, तो मौसम उतना ठंडा नहीं हुआ है और हवा भी ठीक ठाक चल रही है, जिसके वजह से जो प्रदूषण हुआ भी वो बह गया। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पराली का धुआं अभी भी दिल्ली में उस तादाद में नहीं पहुंच रहा जैसा पिछले सालों पहुंचा था। इस साल की भी बात करें तो अभी 5 या 6% ही धुआं दिल्ली की हवा में पहुंच रहा है, जो पिछले साल का बात करें तो 40 से 50% तक धुआं आ रहा था, तो वो भी कम है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो हमने ये देखी है कि इस साल पटाखे भी थोड़े कम जलाए गए हैं। अगर आप दिवाली की रात की बात करें तो दिवाली की रात के समय जो 2-3 घंटे में जो प्रदूषण होता है, इस साल वो कम देखा गया हमारे द्वारा। और ये पिछले साल की बात करें तो उन 2-3 घंटों में जो प्रदूषण था वो पिछले के दिन रातों के मुताबिक से 4 से 5 गुना बढ़ जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ दुगना हुआ है। पटाखे बचे हैं लेकिन उतनी तादाद में नहीं बचे हैं। तो इन सारी चीजों को साथ लेके होने की वजह से हमें इस बार एक दिल्ली के दिवाली के बाद की रात में सीवियर या उससे खराब स्थिति नहीं दिखी, इसे वेरी पुअर पहुंचा है। और ये अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है लोगों के, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि जैसे जैसे तापमान गिरेगा पोल्यूशन शहर के अंदर भी बढ़ जाएगा और जो पराली का धुआं है वो भी आना शुरू हो रहा है, मतलब अगले 2 हफ्तों में आपको प्रदूषण के बढ़ने की ज्यादा संभावना है। अविकल जी, यानी ये समझा जाए कि अभी अगर हम ये मान रहे हैं कि AQI जो है वो बढ़ा जरूर है, लेकिन हमेशा के अगर हम देखें तो उस मुकाबले इस बार काफी राहत है, तो ये माना जाए कि एक ये वजह हो सकती है क्योंकि दिवाली हमेशा नवंबर के एंड में आती थी, वो पहले आ गई है। तो यानी अभी अगर हम ये सोच रहे हैं कि दिल्ली NCR वालों के लिए राहत है, तो ये अभी सोचना जल्दबाजी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला, ये अभी जल्दबाजी हो सकती है क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम इस सीजन का होता है वो है तापमान का गिरना और हवा का बहाव रुकना, जो अभी हुआ नहीं है, जो अगले 1-2 हफ्ते में होने की संभावना है। उस समय अभी आपका वेरी गुड चल रहा है तो अगले 2 हफ्ते वगैरह में पोल्यूशन लेवल और बढ़ जाएगा और पराली का धुआं भी आना ज्यादा तादाद में शुरू होगा, क्योंकि जो पराली जलाई जाती है वो नवंबर में जलाई जाती है अधिकतर। तो अभी आपको खुश होने की ज्यादा बात नहीं है, अभी पोल्यूशन बढ़ेगा ही, लेकिन हम सोच सकते हैं या हम इच्छा कर सकते हैं कि उतना ना बढ़े जितना पिछले 2 साल बढ़ा। यानी अविकल जी देखिए, एक वजह मुझे जितना मैं समझ पा रही हूँ, आपको याद होगा इस बार मॉनसून भी देर तक रहा है, यानी बारिश अभी हाल ही में बंद हुई है, यानी एक वजह ये भी इसे काउंट किया जा सकता है कि एयर पोल्यूशन जो है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं रहा क्योंकि बारिश लगातार होती रही, इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज मेंटेन रही। उसके बाद दिवाली, अभी हमने जिस तरह जिक्र किया दिवाली पहले आई है क्योंकि अक्सर ये नवंबर के एंड में होती थी, यानी कुछ चीजें अभी ऐसी हैं जो ये माना जाए कि AQI जो है उसका असर सिर्फ इन फैक्टर्स की वजह से हुआ है। दिवाली पे पटाखे चलना या फिर ना चलना, ये दूसरा फैक्टर है। हाँ जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, इस बार का मौसम का मिजाज ठीक है जो पोल्यूशन को कम रखता है। बारिश देर तक हुई, अक्टूबर के मिड तक बारिश हुई, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा बहुत साफ थी। अगर साफ स्तर से लाइक क्लीन स्लेट से स्टार्ट करें जो पोल्यूशन है तो वो उतना उस हिसाब से उतना बढ़ता है, लेकिन तो साफ रही है।
अभी भी हवा चल रही है, मॉनसून का लेट रिट्रीट मतलब हवा देर तक चलती रहेगी, तो मतलब अगर हवा चलेगी तो प्रदूषण उड़ जाएगा, तो वो है। लेकिन जो लोकल लेवल पे चीजें करने की जरूरत है, जो आपका लोकल पोल्यूशन लेवल है, जो आपके गाड़ियों से आ रहा है, जो पटाखों से आया होगा, जो कंस्ट्रक्शन और बाकी पावर प्लांट वगैरह के चलाने से पोल्यूशन है, उसमें उतनी ज्यादा कटौती तो नहीं हुई है। और जब मौसम का मिजाज बिगड़ेगा, जो हर साल बिगड़ता है, तब इन चीजों की वजह से प्रदूषण बढ़ जाएगा, और वो अभी होना बाकी। अविकल जी, ये समझना चाहेंगे कि अभी अगर हम ध्यान दें तो ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें बरतना जरूरी है, क्योंकि शुरुआती तौर पे अगर हम इस राहत को राहत मान लें और फिर से लापरवाही बरतने लगे तो आने वाले वक्त में ये हवा जो है और ज्यादा जहरीली हो जाएगी। और दिल्ली की जहरीली हवा से आप देखिए कि कितने लोगों को परेशानी होती है, जो बीमार हैं, जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनके साथ साथ आमजन का भी जीना दुभर हो जाता है। बिल्कुल, अभी हमें कोई ढिलाई देने की जरूरत नहीं है। हवा अभी दिवाली के बाद साफ है, हमें कोशिश करनी है दिवाली के बाद के पूरे सर्दियों में ही हवा साफ रहे। इसके लिए जो भी आपका ग्रैब का प्लान है, जो आपको इंडस्ट्री पे रोक लगानी है, साफ ईंधन का इस्तेमाल करना है, शहर में होने वाले ट्रैफिक के पोल्यूशन को रोकना, जो आपका ट्रैफिक जाम वगैरह ना लगे, जो आपकी इंडस्ट्रीज और जो आपकी ब्रिक किल्स वगैरह हैं उससे जो धुआं निकलता है उस पर जो कंट्रोल की बात है, वो जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है इनके ऊपर ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है कि जो भी आपको हिदायतें लेनी है कि धूल ना उड़े, वो सब करने की जरूरत है। इनको कोई ढिलाई देनी नहीं चाहिए, पूरे सर्दी के मौसम में इनको कड़े रखना चाहिए। अभी जो आपको साफ हवा तो नहीं है, लेकिन कम प्रदूषित हवा जो है उसको देखकर आप बाकी इलाकों में लाइन ना दें, वो बहुत जरूरी है। और ये जो काम चल रहा है पोल्यूशन को कम रखने का, वो जारी रहना चाहिए। ये समझना चाहेंगे आपसे कि अगर हम AQI का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यही वो एक पैमाना है जिसे आप मानते हैं और जानते हैं कि आखिर हवा की गुणवत्ता कैसी है, अविकल जी ये कैसे बढ़ती है और कैसे समझ आता है कि अभी हवा जो है वो जहरीली है या फिर अभी सामान्य तौर पर चल रही है? जी, AQI काफी सिंपल सा सिस्टम है। अगर आपका AQI 1 से 500 तक का होता है, अगर आपका AQI 1 से 50 के बीच में, तो हवा को गुड माना जाता है, मतलब अच्छी हवा है। अगर 100 तक है तो उसे सेटिस्फैक्ट्री बोलते हैं, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन उसके ऊपर जाने पे खतरनाक होती है। और AQI आपका कहते हैं लीनियर नहीं बढ़ता है, मतलब जो 100 से 200 का है वो गंदी हवा है, लेकिन जो 200 से 300, 300 से 400 होता है वो एक्सपोनेंशियली पोल्यूशन बढ़ता है। तो अगर आपका AQI 400 में पहुंच गया, मतलब ये आपका 4 गुना 5 गुना जहरीली हवा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि AQI जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सिर्फ हवा उस प्रपोर्शन में गंदी नहीं हो रही, काफी ज्यादा तेजी से गंदी हो रही है। तो कोशिश रखनी है कि AQI 100 के अंदर रहे, लेकिन अभी इस मौसम में 100 के अंदर रहना तो बहुत मुश्किल बात है, लेकिन कोशिश करना पड़ेगा कि 300 से ऊपर ना जाए, जैसे आज और कल चला गया है, हमें उसको और अंदर रखने की जरूरत है। अविकल जी, ये समझना चाहेंगे आपसे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हवा जो है वो विषैली हो जाती है, दूषित हो जाती है, क्योंकि क्या ये माना जाए कि सिर्फ पटाखे चलाना ही एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कहा जाता है कि हवा जो है वो जहरीली हो जाती है, तो क्या यही एक फैक्टर है? क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली में न जाने कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितनी फैक्ट्रीज हैं जिनका धुआं लगातार चलता है, लेकिन पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है ये कह के कि नहीं, इससे हवा प्रदूषित होगी, विषैली होगी। जी, हवा का प्रदूषित और विषैली होना काफी सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आप इसमें मौसम बहुत बड़ा रीजन है, अगर आप इस समय की बात करें जब तापमान गिरता है और सतह का टेम्परेचर कम होता है, तो एक फिनोमिना होता है जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं, मतलब जो हवा है वो ऊपर नहीं उठती है, वो शहर के अंदर ही रह जाती है। जो भी आपके शहर के अंदर धुआं या प्रदूषण होगा, जो गर्मियों में हवा के साथ ऊपर उड़ के वातावरण में फैल जाता था, वायुमंडल में फैल जाता था, वो फैलता नहीं है, वो शहर के अंदर ही रुक जाता है, जिसके वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। आप ऐसे देखें कि जो गर्मियों में अगर आप जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण, जो आपका वायुमंडल है, उसको अगर आप एक टंकी माने, तो वो टंकी पूरी भरी होती है,
लेकिन इस मौसम में जो सर्दियों का मौसम है, टंकी का पानी एक चौथाई हो गया है, और उस एक चौथाई में अगर आप वही एक चम्मच प्रदूषण डालें, तो वो जैसे नमक डालने से वो एक चौथाई कप में नमक डालेंगे तो ज्यादा नमकीन पानी हो जाता है बनस्पत की आप पूरे गिलास ले, तो वही दिक्कत होती है, ये होता है। और ये जब होता है तो कोई प्रदूषण का सोर्स हो, पटाखे हो, गाड़ियां हो, फैक्ट्री हो, सबका इससे निकलने वाला प्रदूषण काफी हानिकारक हो जाता है। अगर यही पटाखे अगर आप गर्मियों में बजाते तो उसका उतना ज्यादा असर आपको वायु पे नहीं दिखता जितना अभी दिखता है। वैसे ही दिल्ली के अंदर और दिल्ली एनसीआर के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, जितनी गाड़ियां चलती हैं, जितना कूड़ा वगैरह जलाया जाता है, जितना कंस्ट्रक्शन से धूल निकलती है, वो सब आपस में जुड़ के काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो हम पटाखों की बात कर रहे हैं जिसपे आपने भी जोर डाला, उसकी दिक्कत ये होती है कि वो अगर आप यही पटाखे जो अगर 10 लाख मान ले 10 लाख पटाखे की बजाय अगर वो आप महीने भर में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके बच जाते तो उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आप वही सारी चीजें एक साथ एक ही रात बचा देंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा। इससे अगर आपको मैं उदाहरण दूं, आप अगरबत्ती जलाते हैं, अगर एक अगरबत्ती एक रूम में हर दिन जलाए तो उससे जो धुआं होता है वो आप मैनेज कर सकते हैं, आपको उससे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप 100 अगरबत्तियां एक साथ एक ही कमरे में एक ही समय जला दें, जो उससे धुआं निकलेगा वो सहन नहीं हो पाता, तो वो दिक्कत है, कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है। अगर आप इसको डायल्यूट करके पूरे महीने या पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूट कर सके तो वायुमंडल के अंदर जो सिस्टम्स हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, वो पोल्यूशन को डायल्यूट करके खत्म कर देती हैं। लेकिन अगर आप वो सारी चीजें एक ही साथ एक ही समय एक ही दिन एक ही जगह कर देंगे तो वो जानलेवा हो जाता है, वो एक बॉम्ब फटने लायक की स्थिति हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर और जब ये मौसम ठंडा हो रहा है और ये आपका सब कुछ कंट्रोल में नहीं है, वातावरण को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको वो चीजें कंट्रोल करनी पड़ेंगी जिसपे आपका जो आप कर सकते हो, जो आप है पोल्यूशन सोर्सेस, मतलब पोल्यूशन का विकल्प। जी ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स ऐसे हो गए हैं जिनसे हवा जो है वो जहरीली हो रही है, प्रदूषित हो रही है। लेकिन देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और कई सारी अच्छी चीजें ऐसे हम देखते हैं कि ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाता है। अभी वक्त से पहले ही उन्होंने दिवाली पर आपने देखा पटाखों को उस पर रोक लगा दी थी और न्यू ईयर तक ये रोक जो है वो जारी रहेगी। इसके साथ ही आपने देखा कि जैसे ही दिवाली हुई उसके बाद पानी का छिड़काव किया गया ताकि हवा जो है वो विषैली ना रहे। इसके साथ ही आपको और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स समझ आते हैं, कौन कौन से ऐसे कैंपेन समझ आते हैं जिनके जरिए हवा जो विषैली है, हवा जो प्रदूषित है, उसे साफ किया जा सकता है, और ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं? काफी सारी चीजें चल रही हैं जिस पे काम भी चल रहा है, जैसे आपका इंडस्ट्री को एलपीजी और कंप्रेस गैस पे शिफ्ट करने का काम चल रहा है, मतलब वो कोयला ना जलाए, कोयला और ये जो दूसरी फर्नेस ऑयल वगैरह जला के इंडस्ट्री में काम होता था या कचरा जला के जो चीजें करते थे वो कम हो, तो इससे जो कॉन्सेंट्रेशन है जो जहरीला धुआं वो कम होगा, क्योंकि जो आप गैस जला रहे हैं तो उससे कम धुआं निकलता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो रही है, जो शहर में इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, जो धुआं नहीं निकालती हैं, उससे भी काफी राहत मिल रही है पोल्यूशन में। वैसे ही आपका जो दिल्ली के अंदर ट्रकों पे रोकथाम लगाई गई, जो आपका बाईपास बनाए गए ईस्ट एंड वेस्ट पेरिफेरल बाईपासेस जो बने हैं, जिससे जो शहर के अंदर ट्रकों को आने की जरूरत नहीं है वो ना आए, तो उससे भी फायदा हो रहा है। और सी कई सारी चीजें हैं, ऑड एंड इवन का भी असर होता है, लेकिन वो आपको एक इमरजेंसी मेजर है, जब आपका सारी चीजें काम करना बंद कर दे, आपके पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ ना कुछ तो कम करना है, तो आप गाड़ियों की रोकथाम करेंगे तो आपका पोल्यूशन थोड़ा कम होगा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये वो फैक्टर्स हैं जिनको अगर ध्यान में रखा जाए, जहन में रखा जाए, तो हवा जो है वो इतनी विषैली नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अविकल जी, और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर आपके मतलब की, फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे।